सपने वो नहीं होते हैं जो रात में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारे दिल में होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ल्ड बेस्ट हाउ टू डिजाइन टाइम टेबल लाइक अ टॉपर। तो इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अगर आप स्किप कीजिएगा तो आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा, तो फिर आप अपना टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे। जनरली इस वीडियो में हम लोग टाइम टेबल में बना के आपको नहीं दूंगा, कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आप लोग अपना टाइम टेबल बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस टाइम टेबल से आप 95% स्कोर कर पाएंगे, ये गारंटी है। आप इस टाइम टेबल को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये गारंटी है आपसे 95% आप स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे आप लोग अब तक टाइम टेबल बना के आए हैं कि 5 बजे उठना है, 6 बजे ये, 7 बजे करना है, 8 बजे करना है, 9 बजे पढ़ाई करना है, 10 बजे डिनर करना है और सो ऑन, ये टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता। अगर आप लोग बनाया है तो आप लोगों को पता ही होगा ये टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता है। मैं भी बनाया, मेरे को पता है मैं कभी भी फॉलो इसको नहीं कर पाया। तो लोग कैसे टाइम टेबल बनाए लोग जो फॉलो भी कर सके, ईजी भी हो और इसमें हम इंजॉय भी कर सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है क्लास 10 का, उस बोर्ड एग्जाम में हम 95% स्कोर कर पाए, अपने ड्रीम कॉलेज ले पाए। तो इस टाइम वीडियो को देखिए, इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna... So guys, first thing, how many hours to sleep? So, I'm going to clear this. So, how many hours to sleep? Because when we study, we have to use a lot of our mind. We have to remember. अगर हम लोग सोएंगे रहे तो हमारा माइंड रिकवर नहीं होगा। जैसे फ़ोन चलाते हैं, अगर हम इसको 12 घंटे पूरा चलाते रहेंगे तो हीट कर जाएगा और हो सकता है तो ख़राब भी कर देगा। वैसे ही हमारा दिमाग है, अगर आप उसको हमेशा यूज करते रहिएगा और उसको आप रेस्ट नहीं दीजिएगा तो वो सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमें जितना पढ़ना जरूरी है उससे कई जगह हमें सोना जरूरी है। तो क्वेश्चन होता है कि हमें सोना कितना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो 4 से 5 घंटा सो लेते हैं हमारे, बहुत लोग तो 10 से 12 घंटा भी सोते हैं, लेकिन हमें सोना चाहिए कितना, साइंटिफिकली प्रूफ है। तो हमें 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, हमें 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। जो जिम वो आप लोग करते हैं, लोग रनिंग भी जाते हैं, जिम करते हैं, कोई हार्डवर्क करते हैं, तो आपको 8 घंटा तो सोना ही सोना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो 7 घंटा भी सोएंगे तो चलेगा। और ये और दोस्तों, ये ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं। सेकेंड थिंग्स है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, हमें कितने घंटा पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, वह इसका आंसर। आप जितने घंटे पढ़ सकते हो उतने घंटे आप पढ़िए, मगर कंडीशन ये है कि इन डॉक्टर डे आपका सिलेबस, आप सुबह आज का गोल बनाए गोल आपका कंप्लीट होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप अभी क्लास 10 में है तो हमारे पास एवरेज 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए एवरेज। तीसरा चीज़ है सीटिंग टाइम, मतलब एक प्रेजेंट टेबल पर कितना घंटा पढ़ना है। तो इसका आंसर है सिंपली 2 से 3 घंटा। अब आप लोग पूछोगे 2 से 3 घंटा ही क्यों, 1 घंटा क्यों नहीं, आधा घंटा क्यों नहीं, 5 घंटा क्यों नहीं, क्यों 2 से 3 घंटा है? तो सुनो, जो आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होता है वो सिर्फ 3 घंटे का ही होता है। इसलिए आप लोग आज से आदत बनाना है 1 बैठे 2 से 3 घंटा हम पढ़ाई कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट घर पे पढ़ाई तो बहुत अच्छे करते हैं और एग्जाम में जाकर बैठते हैं, पहले घंटा मजा से लिखेंगे, दूसरे घंटा भी ठीक ठाक भी लिखेंगे, लेकिन तीसरे घंटे जाते जाते उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, अच्छा से काम नहीं करता है, जिसके चलते वो अच्छा से आंसर नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें आज से ही आदत बनाना होगा कि हमें 2 से 3 घंटा 1 बैठे पढ़ाई कर लेना है। तो बहुत लोग से ऐसे होगा नहीं तो इसको आप लोग 1 घंटे से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ब्रेक नहीं ले, 5% का ब्रेक ऐसे ले सकते हैं और आज से स्टार्ट कीजिए, और 1 घंटा फिर 2 घंटा और फिर 1 घंटा ऐसे। चौथा चीज़ है, हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो पहला चीज़ आप लोग देखिए लोग कि आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये करते हैं, उनका जो पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, मतलब जो इजी सब्जेक्ट होता है उनके लिए, उसमें वो ज़्यादा टाइम देंगे लोग,
बहुत लोग तो ये करते हैं, लोग उस सब्जेक्ट को उठाएंगे लोग तो पूरे दिन पर सिर्फ वही पढ़ेंगे, बहुत ही गलत है। तो आप लोगों को पहले देखना है कि आप लोग किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक है और उस सब्जेक्ट के लिए आप औरों से थोड़ा जानते हैं। अब ये नहीं कि आप उसको ही ले लें और पूरे दिन में लगे रहें, ऐसा नहीं, औरों से उसे ज़्यादा टाइम देना है। मानिए अगर आप साइंस को 2 घंटा देते हैं, मान लीजिए अगर आप साइंस को 2 घंटा देते हैं और आप और आपका सोशल साइंस या मैथ आपका वीक है, आप सोशल साइंस को आप 2 घंटा दे रहे हैं तो आप 3 घंटा देंगे या 2 घंटा 40 मिनट दे देंगे। क्योंकि हम लोग का ये क्लास 10 पे, ऐसा नहीं क्लास 11-12 नहीं है, जो हम लोग का एग्जाम होगा बोर्ड में ये सारे सब्जेक्ट से इक्वली क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि भैया आपको डॉक्टर बनना है, चलो ठीक है एग्जामिनर क्या करेगा आपको बायो का कॉपी दे देगा, पड़ेगा तुम बायो लिख लो तुम पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको सब सब्जेक्ट में से इक्वल क्वेश्चन है, इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट को एक बैलेंस में लेकर चलना है जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और हम लोग का टारगेट रहेगा 95+ स्कोर करने का। सोच ले, बहुत लोग इसमें सोचेंगे 95+ स्कोर करना है तो ये सोचने में क्या रहता है, आप सोचो तो 95+ और सोच के आप स्टडी करोगे। मेरे ख्याल से आपका 95+ नहीं तो 90-85 तक तो आना ही आना है। तो ये क्लास 10 है तो ध्यान दीजिए और अच्छे से। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को अपना टाइम टेबल डिजाइन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अपने टाइम टेबल डिज़ाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन कीजिएगा और इस वीडियो को आपको देख ही आप लोगों को अच्छा समझना ही क्या होगा कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, हमें कितना घंटा सोना है, हमें कितना घंटा एक बैठे पढ़ना और क्यों पढ़ना, ये सब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इस टाइम टेबल को बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है क्योंकि मैं मेरा एक फ्रेंड और हमारे जो फेवरेट टीचर हैं वो अभी इस टाइम टेबल को बनाने में हमको हेल्प किए हैं। सो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, चलिए Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.